नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित द्विवेदी है और आज का वीडियो जो है वो एक हमारे सब्सक्राइबर के ऊपर है, यानी कि उन्होंने हमसे एक कमेंट में पूछा था कि हम अपने मिक्सर से किसी लाइव प्रोग्राम यानी कि जो भी प्रोग्राम अपना हो रहा है उसको अगर अपने लैपटॉप में यानी कि पीसी या किसी भी चीज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करें। तो सबसे पहले तो ये आपका हो गया मिक्सर, जिसमें आपका सारा माइक वगैरह इनपुट होता है, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी कथावाचक है, जो भी सिंगर है वो गा रहा है, सबका माइक इंसर्ट है और आपका लाइव प्रोग्राम जैसा का आप यूज़ करते हैं वैसा ही चलता रहता है। उसमें आपको आवश्यकता पड़ती है एक ये इस तरफ ये और दूसरी तरफ ये जो मोबाइल का होता है यानी कि लैपटॉप में भी आपके लगेगा, ऐसे पिन की आवश्यकता होती है। तो आप ये पिन देखिए, पहले इसका क्लोज लुक ऐसा होना चाहिए, दोनों साइड में ये RC कहते हैं और एक तरफ ये जो अपना जैक होता है मोबाइल का या लैपटॉप का ऐसा होना चाहिए। दूसरा आपके पास ये होना चाहिए जिसमें एक तरफ आपका ये माइक का पिन होता है और ये दूसरी तरफ आपका वही हेडफोन या ईयरफोन जो भी जैक आप कहते हैं वैसा होता है। मैं आपको शुद्ध हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ भाइयों के समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछिएगा। उसके बाद आपका मिक्सर जो होता है उसमें आप दो तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपके मिक्सर में ये जो RC करके होता है लेफ्ट राइट, अगर ये रिकॉर्डिंग का पोर्ट नहीं होता है तो हेडफोन का जरूर होता है। अगर आपके मिक्सर में हेडफोन का आउटपुट है तब आप उस कंडीशन में अपना एक जो पॉइंट है वो अपने फ़ोन यानी कि हेडफोन के जैक में इंसर्ट करेंगे और दूसरा अपने जो सिस्टम है आपका लैपटॉप उसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अभी आप सिस्टम पे देखिए, इसमें जो है लाइन इन करना है और उसके बाद आपका एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम होता है Audacity, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर होता है ये। अब इसको आपको करना है ओपन और ओपन करने के बाद अभी आपका ऐसा ही ओपन हो रहा है, देखिए ये आपका ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपको इसी में ही रिकॉर्डिंग करनी है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए ये माइक है मेरा, ये माइक मैंने लगा रखा है जो कि ऑन है और आप पहले तो इसमें देखिएगा, इसमें इसका जो इंडिकेटर है ये आप देख सकते हैं मेरे इसका आ रहा है हेलो चेक हेलो, ये आपको दिखाई दे रहा है कि मिक्सर से यानी कि जो माइक है हमारा उसका इनपुट इसमें आ रहा है, ठीक है, अभी एक ही वायर है। और उसके बाद अब मैं इसका यानी कि जो मिक्सर का सिग्नल है वो इसमें दिखाऊंगा अपने सिस्टम में कि इसकी आवाज़ उसमें कैसे जाए। ये आपका फ़ोन का वॉल्यूम होता है यानी कि इसको बढ़ाने से हेडफोन की जो आवाज़ है वो बढ़ती है, तो इसको आप बढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपने लैपटॉप के मॉनिटर में, तो आप देख सकते होंगे कि ये जो ऊपर एक छोटा सा पंखे आ रहा है ये आप देख सकते हैं, इसमें हमारी जो माइक की आवाज़ है ये आप सुन सकते हैं हेलो हेलो हेलो, ये आप देख सकते हैं आ रहा है इसका पावर, ठीक है। और रिकॉर्डिंग करके भी दिखा देते हैं आपको कि रिकॉर्डिंग करने पे कैसा आता है, तो मैं रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ आपको ये हेलो हेलो चेक हेलो हेलो भाई चेक हेलो चेक, ये आप देख सकते हैं ये इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपके सिस्टम में कंप्यूटर में शुरू हो गई। तो अब आप देख सकते हैं एक ये हेडफोन के तरीके से ये हेडफोन वाला, अब मैं आपको दिखाऊंगा जो रिकॉर्डिंग के लिए पोर्ट दिया होता है उसके हिसाब। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने इस वायर की मदद से आपको रिकॉर्डिंग दिखाया जिसमें कि हेडफोन का अगर ऑप्शन है आपके मिक्सर में तब आप रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके मिक्सर में ये जो रिकॉर्डिंग का आउटपुट होता है अगर ये है तो इससे आप कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। तो उसके लिए जो बताया मैंने ये आपके पास होना चाहिए, इसको रेड में रेड यानी कि राइट हो गया और ये हो गया लेफ्ट। उसके बाद आपका जो ये इंसर्ट है ये आपके लैपटॉप में होगा और जो लैपटॉप की सेटिंग है वो अपना होगा लाइन इन पे, या तो यानी कि माइक पे भी नहीं होगा और ना ही हेडफोन पे होगा, ये होगा ये आप देख सकते हैं इसमें लिखा होगा लाइन इन, और लाइन इन को ही आप एक्सेप्ट करके रखें यानी कि उसी पे सेटिंग बना के रखें। अब उसके बाद अब मैं दिखाता हूँ आपको कि वही सब कुछ है, यहाँ पे मैंने इनपुट दिया यानी कि आउटपुट गया मिक्सर से और ये अपना इनपुट हो गया लैपटॉप में।
वही वायर यूज़ करता हूँ मैं, 8 नंबर माइक। और ये माइक आप देख सकते हैं, इसकी जो आवाज़ है यहाँ पे आप इंडिकेटर देख सकते हैं। हेलो हेलो चेक, ये देख सकते हैं आप मेरी जो इनपुट है वॉइस की, वो आप यहाँ से रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि जो रिकॉर्डिंग का दिया होता है उस जैक से अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आपको पहले तो माइक ऑन करना होगा, दूसरा आपका जो फेडर है वो उठाना होगा, तब इसी से आवाज़ जाएगी। यानी कि इसमें वो चीज़ रिकॉर्डिंग होगी जो आप अपने स्पीकर को आउटपुट दे रहे हैं, वैसा ही इसमें रिकॉर्ड होगा। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे सिग्नल आ रहा है, जब मैं माइक में आवाज़ देता हूँ तो आप देख सकते हैं वहाँ तक मेरा जो ऑडियो है वो पहुँच रहा है सिस्टम तक। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो, थोड़ा सा देखिए और सारा कुछ इसमें हो रहा है। हेलो चेक चेक, हेलो 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 भाई चेक। तो अभी आपने देखा कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये प्रॉपर आपके लैपटॉप में हो रही है, यानी कि अब आप जो भी वीडियो है या जो भी आपका प्रोग्राम है वो आप अपने जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यही दो तरीके हैं इसको रिकॉर्ड करने के, जो आपके बड़े मिक्सर आते हैं जैसे कि यामाहा या साउंड क्राफ्ट, उनमें आपका साउंड कार्ड होता है जिसमें आप यूएसबी के थ्रू आप उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं। बट जो आपके ऐसे ही नॉर्मल मिक्सर होते हैं उनमें रिकॉर्डिंग ऐसे ही की जाती है, मैं खुद ऐसे ही करता हूँ अपने प्रोग्राम्स में। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर कोई गलती हुई हो तो उस पर आप कमेंट करके मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। और कोशिश तो वही किया है जो मैं खुद यानी कि अपने प्रोग्राम में जैसे रिकॉर्ड करता हूँ, मैंने वही बताने की कोशिश की है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।